इस गांव के माननीय संतोष चंद्रकांत जी, प्रभात खबर के वरीय पत्रकार और भोजपुरिया दस्तक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचनाओं को हम तक पहुंचाने का कार्य करने वाले माननीय संतोष चंद्रकांत जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज अपने गांव के इस सभा में एक ग्रामीण सदस्य की भूमिका में अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद ब्रदर। इस अवसर पे यहां पर उपस्थित तमाम गणमान्य लोगों का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं ठोरा नगरी जन सेवा संस्थान के उन तमाम पदाधिकारियों को जिनके माध्यम से आज वी लव नुनहर सेल्फी पॉइंट का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ और अब सबके सामने उपस्थित है। सबसे बड़ी बात है कि हम नुनहर के लोग पूरे अनुमंडल में बहुत खास हैं। पूरे नुनहर के लोग पूरे अनुमंडल में सबसे खास हैं। इसलिए खास है कि यहाँ के लोगों की सोच हर गांव से अलग है, यहाँ के लोगों का कार्य हर गांव से अलग है और हम जो करते हैं वो अनुकरणीय होता है। जैसे हमने 4-5 साल पहले विक्रमगंज नगर परिषद की ईओ मैडम थी, वो हमसे कहती थी प्रेम स्वरूपन जी कि यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाना है, यहाँ पार्क बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, नगर में, विक्रमगंज नगर की बात कर रहा हूं। लेकिन जब नुनहर में फर्स्ट बार थोरा नगरी जन सेवा संस्थान की ओर से हमने जब मच्छरों के प्रकोप पर दवा डालते हुए देखा तो हमें ऐसा लगा कि मेरा गांव पूरे अनुमंडल क्या पूरे बिहार में एक स्थान रखने वाला गांव है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं यहां का नागरिक हूं। और यहां के लोग जो कार्य करने की क्षमता जो रखते हैं इतना शानदार है कि मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। थोरा नगरी जन सेवा संस्थान की ओर से जितने भी कार्य हुए इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, कोई वोट से सरोकार नहीं है और उसका श्रेय लेने का होड़ नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि इस संस्थान में जुड़े हुए जितने लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत की कमाई, परिश्रम से उगाए हुए पैसे को जन सहयोग के माध्यम से समाज सेवा में लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम उनके गार्जियन को, जो लड़के इससे जुड़े हुए, मैं उनके अभिभावकों को चरण स्पर्श करता हूं कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो गांव के लिए सोचते हैं, गांव के लिए करते हैं। अपना पैसा तो सभी कमा करके अपने माँ बाप खेत बाजार खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, लेकिन अपना पैसा समाज सेवा में लगाना बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये काम जो कर रहे हैं मैं इनका वाकई बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लोग बहुत ही हर वर्ग और हर समाज को लेके चलते हैं, कहीं भी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम इसके लिए भी अपने हृदय से जितना भी वर्णन करें और जितना भी हम कुछ कहें बहुत ही शब्द कम पड़ रहा है। तो इन्होंने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं, ये लोग अच्छे से तरीका से कार्य कर रहे हैं और उसके लिए भी हर तरह से हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमको भी अपना सुझाव और मार्गदर्शन दें और हम आगे भी इन लोगों से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम पूरे पंचायत वासियों और मंडल वासियों से, देखिए आपका पंचायत आदर्श पंचायत है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अग्रणी पंचायत तो निश्चित है और इसको आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहेगा तो पूरे बिहार में हम अग्रणी पंचायत बनाकर रहेंगे और आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित ही पूरे बिहार में बनेगा। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानियां देनी पड़ी तो उसके लिए हम कभी भी देने के लिए तैयार हैं, हम और हमारा समस्त परिवार।
कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए पंचायत में जो भी कार्य हो रहा है आप लोग हर तरह से जानते हैं। जैसे मान लिया सेल्फी पॉइंट लगा है, ये सोचते होंगे कि पंचायत का है और किसी थोड़ा ट्रस्ट का है या किसी आम आदमी का है, तो ये समझ जाइए किसी आम आदमी का नहीं है, ये सब आम आदमी का ही है। जो हमारे व्यक्तिगत कोई सोचता होगा कि ये मिक्की जी है मिक्की जी लगाए हैं, या हमारे पत्रकार साहब है पत्रकार साहब लगा दिए, या भोला जी है भोला जी भंडारी जी लगा दिए, ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है। आप जो भी है अगर पंचायत का जो भी कार्य होता है तो ये पंचायत का आप राजस्व जो आपको ऊपर सरकार टैक्स लेती है, कहीं ना कहीं खाद में टैक्स लेती है किसान संबंधित है या कहीं भी कोई भी है, कहीं भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार टैक्स लेती है, उससे पंचायत को अनुदान मिलता है। तो समझ हर आदमी का हर नागरिक का उराशी रहता है और सबको संभालना यह हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, ना कि किसी व्यक्ति एक आदमी को बनता है। हम लोग संचालन करता है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन हर लोगों को इसका रख रखाव देखभाल कर्तव्य बनता है कि हम इसको किस तरह से अच्छा लगे सुंदर रखे। कोई भी बच्चा उसको नुकसान पहुंचाता है तो हम लोग समझाने का प्रयास करें कि बाबू ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो हम लोग निरंतर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पंचायत में काम कर रहे हैं, थोड़ा नगरी ट्रस्ट भी कर रहा है, जो भी समाज सेवी है, तो हर व्यक्ति से हम नागरिक से अभिभावक से युवा साथियों से हम यही आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आज की जो हमें मंच मिला है इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति हर युवा और हर प्रतिनिधि मिलकर सुरक्षा करे, तभी ही आपका पंचायत बिहार में अग्रणी पंचायत बनेगा। और इसी हम थोड़ा ट्रस्ट नगरी के साथ यहाँ भी युवा हैं बच्चे हैं सभी लोगों को हम उज्जवल भविष्य के कामना करता हूँ और इन्हीं सब संतों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का दिन जो है संविधान का